ओके तो अगर आप अपने पुराने लैपटॉप को बेचना चाहते हैं अच्छे प्राइस में और इंस्टेंटली, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो सेकेंड हैंड फ़ोन है वो भी इजीली बिक जाते हैं। लेकिन जो लैपटॉप होते हैं ना, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से सेकेंड हैंड लैपटॉप को बेच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप वो कैसे कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा पुराना लैपटॉप बेचने के। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर आपका लैपटॉप सिर्फ 6 महीने या 1 साल ही पुराना है तब आप उसको ना ही बेचो तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आज आपने 60,000 रुपये का एक लैपटॉप खरीदा, अब 1 साल बाद आप उसको बेचना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको उसके 40,000 रुपये मिल जाए। अब अगर आप उसको 1 साल बाद 40,000 रुपये में बेचने का ट्राई करोगे, तो जो लेने वाला होगा, पहली बात तो 40,000 रुपये का कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप क्यों लेगा, उसके मन में पहली तो ये चीज़ आएगी। प्लस 40,000 में वो दूसरा भी कोई और नया लैपटॉप ले सकता है, क्योंकि 1 साल बाद और नया मॉडल आ जाएगा। फिर उसके सामने एक और ऑप्शन आता है, क्योंकि लैपटॉप का अल्टरनेट भी होता है जो कि है डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो ये सोचेगा कि 40,000 रुपये में तो मैं काफ़ी अच्छा पीसी बिल्ड करा सकता हूँ। तो अगर आपका लैपटॉप सिर्फ 6 महीने या 1 साल ही पुराना है तो आप उसको ना ही बेचो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपका लैपटॉप 2 साल 3 साल उससे ज़्यादा पुराना है, तब आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी कैसे मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। हमने दो तरीके बोला था, फर्स्ट वाले तरीके के बारे में बात करते हैं पहले। सबसे पहली चीज़ देखो, आपको अपने लैपटॉप की बेस्ट प्राइस लेने के लिए आपको उसका एड OLX पे पोस्ट करना चाहिए। आपका लैपटॉप कितना पुराना है, उसकी कंडीशन कैसी है, कैसे आपने इसको यूज़ किया है, अच्छे से एक जेन्युइन एड पोस्ट करो OLX पे। और जितना आपको लगता है कि मैंने मान लो 3 साल पहले 30,000 रुपये का लैपटॉप लिया था, अब मुझे उसके 8-10,000 रुपये, आपको जो भी लगता है कि मेरे लैपटॉप की इतनी अमाउंट मुझे मिल जानी चाहिए, आप उतनी अमाउंट का ऐड पोस्ट करो OLX पे। फिर कुछ टाइम रुको, देखो क्या कोई इंटरेस्टेड है आपके लैपटॉप को लेने में या नहीं है। या तो आपका लैपटॉप वहाँ पे सेल हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर वहाँ पे सेल नहीं होता है फिर भी आपको अपना लैपटॉप चलो बेचना ही है, तो अब आते हैं सेकंड वाले तरीके पे। तो इस सेकंड वाले तरीके में आपको गूगल ओपन कर लेना है, मोबाइल में कर सकते हो, लैपटॉप में, कंप्यूटर कहीं पर भी कर सकते हो, और आपको सर्च करना है गूगल पे हाउ टू सेल ओल्ड लैपटॉप। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने ये काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। अब बेसिकली ये वेबसाइट करती क्या है, ये आपके सेकंड हैंड लैपटॉप को ख़रीद लेती हैं। अभी यहाँ पे कुछ वेबसाइट ने अपनी सर्विस बंद कर रखी है कोविड की वजह से, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो कि अभी अपनी सर्विस दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट को ओपन करके एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट ओपन किया, इसका नाम है रिसाइकल डिवाइस करके। अभी यहाँ पे ये हमारा लैपटॉप हमसे ले लेंगे, सेकंड हैंड लैपटॉप, लेकिन पहले ये पूछ रहे हैं हमारे लैपटॉप किस ब्रांड का है। तो मैं आपको मेरा जो लैपटॉप है उसका एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मेरा लैपटॉप वूमन सीरीज़ का है। आपका जिस भी ब्रांड का जो भी लैपटॉप है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा लैपटॉप वूमन सीरीज़ है। अब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मेरे लैपटॉप की 67,000 रुपीज़, ये इतना जो प्राइस है वो मुझे दे देंगे। अब एग्जैक्ट कितना देंगे वो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वगैरह पूछ रहा है क्या है मेरा लैपटॉप, i7 7th generation है। रैम वगैरह यहाँ पे जो भी आपके लैपटॉप में है वो आप फिल कर सकते हैं, कितने GB रैम है, क्या स्टोरेज है मेरे में, 1 TB हार्ड ड्राइव है, SSD भी है, लेकिन उसका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो 1 TB हार्ड ड्राइव कर देते हैं। और यहाँ पे एक्सेसरीज़ वगैरह पूछ रहा है कि क्या क्या है, ओरिजिनल चार्जर बिल वगैरह आपके पास जो है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो नहीं है वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले डिफेक्ट्स वगैरह है, तो मेरे में कोई डिफेक्ट नहीं है, अगर आपके में कुछ है तो वो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं वही चीज़ को। और बॉडी में भी कोई डिफेक्ट नहीं है मेरे लैपटॉप में, तो अगर आपके में है तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है वाईफाई वगैरह में, डिस्प्ले बैटरी में कोई फॉल्ट तो नहीं है, मेरे में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये पूछ रहा है कि लैपटॉप कितना पुराना है, 11 मंथ से कम है या ज़्यादा है, तो मेरा ज़्यादा है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये मोबाइल नंबर जैसे ही हम इसमें डालेंगे ये हमारे लैपटॉप की एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो देखो ये मेरे लैपटॉप के 17,000 रुपीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। मेरा लैपटॉप 1,00,000 रुपये का था, लेकिन ये 3 साल से ज़्यादा पुराना है, इसलिए इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम लगा रहे हैं। हालांकि ये वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अभी आपको करना क्या है, ये मैंने एग्जांपल देके दिखाया है। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है, आपको उन पे एक एक करके जाना है। मैं ऑलरेडी सब पे चेक कर चुका हूँ, ये कैशिफाई वेबसाइट है,
ये मेरे लैपटॉप के 23,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज़ दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये लोग 17,000 रुपीज़ दे रहे थे, तो उससे ज़्यादा तो यहाँ पे दे रहे हैं। और एक और वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो ये 21,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपको ऐसी जितनी भी वेबसाइट है उन पे जाके अपने जो लैपटॉप है उसकी आपको एक बारी देखना है कि कौन आपको ज़्यादा पैसे देता है। यहाँ पे एक और भी ऑफ़र है, स्पेशल ऑफ़र, कि अगर मैं फ़्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड लेता हूँ तो मुझे ये इससे ज़्यादा यहाँ पे 25,000 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड दे देंगे, अमेज़ोन का भी दे देंगे यहाँ पे 25,000 का। अगर आपको अपना पुराना लैपटॉप देके ऑनलाइन कोई लैपटॉप परचेज ही करना था तो आप यहाँ पे गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लैपटॉप की बेस्ट वैल्यू तो नहीं आपको मिलेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका जो लैपटॉप है वो सेल जरूर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट हैं, एक एक करके आप इनको ओपन कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपने लैपटॉप की डिटेल सारी डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप कितने में ये लोग ले लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप को इंस्टेंटली बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जो मैंने सेकंड वाला तरीका बताया है, यहाँ पे आपका लैपटॉप सेल तो ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपको बेस्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। बेस्ट वैल्यू मैंने जो तरीका नंबर 1 बताया था OLX वाला, वहाँ पर ही आपको मिल पाएगी। लेकिन अगर आपको अपना लैपटॉप बेचना ही है, आपका कोई कहीं पर भी नहीं ले रहा है, तो आप यहाँ पर आराम से उसको बेच सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पे एक्टिव रहता हूं, स्टोरीज पोस्ट वगैरह डालता रहता हूं, और जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं वीडियो पे उनके कमेंट्स को भी मैं अपनी स्टोरी पे डालता रहता हूं, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।